प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शरीफ को बधाई देते हुए कहा था कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। पाकिस्तान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनका देश भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध चाहता है। जम्मू कश्मीर समेत बकाया विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। शरीफ ने मोदी के बधाई संदेश का जवाब देते हुए ट्वीट किया, पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंध चाहता है। जम्मू कश्मीर सहित बकाया विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है। आतंकवाद से लड़ने में पाकिस्तान के बलिदान प्रसिद्ध हैं। आइए शांति सुरक्षित करें और अपने लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा था कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है ताकि हम अपनी विकास की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सके और हमारे लोगों की समृद्धि और कल्याण को सुनिश्चित करें। सोमवार को अपने उद्घाटन भाषण में शरीफ ने कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने का मुद्दा उठाया था और आरोप लगाया था कि घाटी में लोगों का खून बह रहा है और पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा उठाने के अलावा राजनयिक और नैतिक समर्थन प्रदान करेगा। हाई वोल्टेज राजनीतिक खींचतान के बाद इमरान खान की जगह लेने वाले शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता। तीन बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष शक्तियों को वापस लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अधिक बिगड़ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान में भी लगातार सियासी उठापटक का दौर चलता रहा। इमरान खान के जाने को लेकर एक लंबी सियासी लड़ाई भी पाकिस्तान में देखने को मिली। पहले अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि अविश्वास प्रस्ताव फेस करने के लिए भी कहा था। पहले से ही तय माना जा रहा था कि इमरान खान की सरकार गई और इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस बीच इमरान खान को नजरबंद किए जाने और गिरफ्तार किए जाने की बात भी उठने लगी थी। पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के फेरबदल अक्सर देखने को मिलते हैं क्योंकि यहां सेना का जोर चलता है। साथ ही साथ भारत के साथ रिश्तों को लेकर भी नया प्रधानमंत्री हमेशा कोई ना कोई बयान देता है। ये देखने में आया है कि राजनीतिक विरासत संभालते हुए भारत के खिलाफ कई प्रधानमंत्री बयानबाजी करते हैं। शहबाज शरीफ ने भी आते ही धारा 370 को हटाए जाने का मुद्दा उठाया था। बहरहाल इस सब के बीच भारत शांति बहाली के प्रयासों में लगातार जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ शहबाज शरीफ को बधाई दी बल्कि क्षेत्र में शांति की मांग भी की। शहबाज शरीफ ने भी बधाई संदेश पर धन्यवाद कहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।